3, 2, 1, मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना। कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर? देखिए, हमने एक नंबर ले लिया, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 7-24 आयोटा। 7-24 आयोटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हमारे को स्क्वायर रूट निकालना है। तो हम जानते हैं कि हमारे को जो निकालना है वो इस तरीके से निकालना है, स्क्वायर रूट ऑफ 7-24 आयोटा। तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि लेट दिस बी इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, x प्लस आयोटा y उस फॉर्म में है। अब इस स्टेप के बाद हम करेंगे इसकी स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, अगर हम स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट देखिए दोनों साइड, तो ये तो रह जाएगा सिंपली 7-24 आयोटा। इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 7-24 आयोटा इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 2x आयोटा वाई। हमने इसको आइडेंटिटी सॉल्व कर लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली। अब हम जानते हैं ये तो 7-24 आयोटा ऐसे कैसे है, ये x स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो आयोटा स्क्वायर जो होता है वो माइनस में होता है, तो ये कुछ x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हो जाएगा और ये 2x आयोटा y ऐसे कैसे। तो अब आप देखिए हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो रियल पार्ट को तो रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे। तो जो रियल पार्ट आ जाएगा वो तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको हमने 7 से कंपेयर कर लिया, और हमारा जो इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 24 इज इक्वल टू 2xy। हमने इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लिया। तो हमने देखा कि इससे हमारे पास क्या आ गई, दो इक्वेशंस आ गई x और y में। अब हमारी जो दो इक्वेशंस हैं इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो 2 से पहले से नमस्ते कर लेते हैं, तो ये 12 हो जाएगा। तो हमने देखा कि xy की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास -12 आ गई, तो इट मींस जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -12 अपॉन y। ये मेरी x की वैल्यू आ गई -12 अपॉन y। अगर मैं x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो देखिए किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करूंगा। अगर मैं x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो ये हो जाएगा हमारा 7 is equal to -12 अपॉन y का होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो हमने देखा कि हमने x की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दी है, अगर इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 7 is equal to 144 अपॉन y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अगर हम इसको सिंपलीफाई करेंगे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 is equal to 144 माइनस y4 अपॉन y स्क्वायर। y स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7y स्क्वायर is equal to 144 माइनस y टू द पावर 4। अब इसको हम जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा डिग्री है वो पॉजिटिव रखते हैं, तो सबको हिंदुस्तान में ले आइए, तो ये हो जाएगा प्लस 7y स्क्वायर माइनस 144 is equal to 0। तो आपने देखा कि हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, बाइक्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसको स्टूडेंट्स अगर आपको सॉल्व करना आता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता तो इसका इजियर मेथड क्या होता है। इजियर मेथड ये होता है कि हम वाई स्क्वायर को कोई भी सपोज कर लेते हैं, लेट वाई स्क्वायर बी इज इक्वल टू ए। तो अगर हमने वाई स्क्वायर को ए सपोज कर लिया तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 7a और ये हो जाएगा -144 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि हमने y स्क्वायर में जो बेस सपोज की यहां पे वैल्यू पुट करी तो ये हमारा इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अगर आप यहां पे स्प्लिटिंग कर सकते हैं तो वेरी गुड है, नहीं कर सकते हैं तो आप यहां पे इसकी इस तरीके से स्प्लिटिंग इजी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं 144 के हमारे को कुछ ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि 7 आ जाए, तो हम जानते हैं स्प्लिटिंग का मेथड था 16 और 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का 16a माइनस का 9a माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो अगर इसमें से कॉमन आएगा तो ए कॉमन आ जाएगा, तो ये बचेगा ए प्लस 16, इसमें से माइनस का 9 कॉमन आ जाएगा तो ये बचेगा ए प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो ए इज इक्वल टू एक तो हो जाएगा स्टूडेंट्स 9 और ए भी हो जाएगा माइनस 16। हम जानते हैं हमारी जो ए की वैल्यू थी, हमारी जो ए की वैल्यू थी वो क्या थी, वाई स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 और ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 16। हम जानते हैं कि ये वाला तो हम इस बार के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि रीजन बीइंग क्योंकि ये पूरा है कॉम्प्लेक्स नंबर तो दे रखा है, लेकिन हमने ये जो सपोज कराया है x और y तरीके से हमारे लिए वैल्यूज है, और आप चाहें तो उसको लेके भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये जो हो जाएगा हमारे पास y के दो आंसर आ जाएंगे, तो आ जाएगा प्लस एक आ जाएगा माइनस का 3। तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी प्लस माइनस 3। अगर हम y की वैल्यू प्लस माइनस 3 हमारी किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें या इसमें पुट कर दें, तो अगर एक बार x की y की वैल्यू अगर हम 3 पुट करेंगे, तो y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 पुट करें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 12/3 व्हिच इंप्लाइज माइनस 4। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4। और अगर हम y की वैल्यू माइनस का 3 पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस 12/-3, माइनस से माइनस की नमस्ते, तो x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो हमने देखा कि हमारे पास x और y की इंडिविजुअली दो वैल्यूज आ गई। अब हमने जो उसका स्क्वायर रूट सपोज किया था वो इस फॉर्म में सपोज किया था, तो इट मींस या तो माइनस 4 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा या फिर 4 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, प्लस का 4 और माइनस का 3 आयोटा। ये दो केसेस हमने x और y के यहाँ पे पुट कर दिए। तो आपने देखा कि कैसे हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकाला, ये इसका स्क्वायर रूट है। आई होप आप सबको क्लियर है। फिर भी कोई डाउट हो आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू लेट अस नो, आप हमारे को भेजिए, हम उसको सॉल्व करके आपके लिए भेज देंगे। थैंक यू।